नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। बता दें कि स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो रांची में घरों की निगरानी का है और ऐसा इसलिए क्योंकि 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है पिछले साल इसी मौके पर हुई सांप्रदायिक हिंसा और शोभा यात्रा पर की गई पत्थरबाजी, जिसे लेकर इस साल पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है। ये वीडियो इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि रामनवमी से पहले कथित तौर पर कुछ छतों पर पत्थर पाए गए। कई राइट विंग यूजर्स इसे सांप्रदायिक रंग देकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस यूजर ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि रांची पुलिस को रामनवमी से पहले 10 छतों पर पत्थर के ढेर मिले हैं। साथ ही उसने लिखा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 10 घर किस समुदाय के लोगों का है। राइट विंग ट्रॉल अजित भारती ने भी ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि रामनवमी पर उनकी तैयारी हो चुकी है। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने भी ये वीडियो ट्वीट किया और पूछा कि ये कौन से समुदाय के घर है। इस होड़ में प्रमुख मीडिया संगठन भी शामिल हो गए और इन बारे में सनसनीखेज और सांप्रदायिक रूप से रिपोर्ट्स पब्लिश की, जैसे नवभारत टाइम्स, टाइम्स नाउ नवभारत, राइट विंग प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑफ इंडिया, आरएसएस की मुखपत्रिका पंचजन्य। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में छानबीन करते हुए रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से बात की। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है और नोटिस पाने वाले मकान मालिक किसी एक समुदाय के नहीं है। आगे उन्होंने ये बात क्लियर की कि किसी जुलूस या शोभा यात्रा निकाले जाने वाले रास्ते की निगरानी करने की ये प्रशासन की एक रूटीन प्रैक्टिस है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि यात्रा के बीच आने वाले बिल्डिंग्स की छत पर किसी भी प्रकार के पत्थर या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सामग्री जैसे ईंट, बालू, गिट्टी इत्यादि मौजूद न हो। इस प्रक्रिया में लगभग 10 घरों के मालिकों को नोटिस भेजा गया था जिनकी छत पर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सामग्री थी और उसे रामनवमी तक हटा देने के लिए कहा गया था। इसे लेकर रांची पुलिस ने एक्स पर ये ट्वीट्स भी किए थे। इतना ही नहीं, रामनवमी की सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप था। यानी मीडिया और राइट विंग यूजर्स ने रांची पुलिस की एक प्रशासनिक प्रक्रिया को झूठा सांप्रदायिक एंगल देकर शेयर किया, जबकि पुलिस ने स्टेटमेंट देते हुए ये बात साफ कही थी कि नोटिस दिए गए 10 घर किसी एक समुदाय के लोगों के नहीं है। ऐसे ही सांप्रदायिक और गलत सूचनाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहिए।